कैसे बनता है कॉकरोच अपनी ही मौत का कारण। तो एक कीड़ा है वास्प, उसका वायरस के साथ एक बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप है। जब वास्प बच्चे पैदा करता है तो वायरस उसकी हेल्प करता है। अब ये होता कैसे है? तो वास्प को अपने अंडे देने और बच्चे पैदा करने के लिए एक कीड़े जैसे कि कॉकरोच की ज़रूरत होती है, और वो उस कॉकरोच की खोज में लगा होता है। और जब उसे वो कॉकरोच मिल जाता है तो वायरस की हेल्प से उस कॉकरोच को वो डंक मारता है, जिससे वो कॉकरोच पैरालाइज हो जाता है। और फिर वास्प उस कॉकरोच को अपने बस में ले लेता है और फिर अपने रहने के लिए उसी कॉकरोच से वो गड्ढा खुदवाता है, और फिर उसी कॉकरोच के अंदर वो अपने अंडे देता है और उसे पूरी तरह से सील कर देता है। कुछ टाइम बाद जब उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो बच्चे उस जिंदा कॉकरोच को खा जाते हैं, और इस तरह कॉकरोच खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है।